बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है, चलती स्कूल बस में आग लग गई और हादसे में बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। सोमालिया स्कूल गंगापुर की स्कूल बस थी। कारोई और आसपास के गांव से बच्चों को लेकर के बस जा रही थी। कारोई थाना पुलिस का जाप्ता भी मौके पर पहुंचा। हाईवे की पेट्रोलिंग टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। गुरला टोल नाके पास ये हादसा हुआ। भीलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग की घटना है और तस्वीरें भी, ये तस्वीरें इतना डराने के लिए काफी है क्योंकि स्कूली बस में संभवतः इस तरह का पहला हादसा, क्योंकि देख रेख के अभाव में अगर ये बस इस तरह से जली है या फिर कोई और इसमें कारण है तो एक बड़ी और घोर लापरवाही उन बच्चों की जिंदगी के साथ जो कि इस बस में सवार थे। चलती स्कूल बस में आग लगी, इसमें बच्चे सवार थे बाल बाल, हालांकि स्कूली बच्चे बच गए। और इस पूरे हादसे में सबसे राहत भरी खबर यही रही कि स्कूली बच्चों को बाल बाल बचा लिया गया, क्योंकि जिस तरह से उसके बाद में इस बस का हश्र हुआ है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा भयावह यह हादसा और हो सकता था। चलिए पूरी जानकारी के साथ सहयोगी नवीन का रुख कर लेंगे, भीलवाड़ा से इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नवीन, एक स्कूल बस में आग लगी है, क्या वजह, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उस वक्त कितने बच्चे उसमें सवार थे, अभी सब सकुशल है ना? घटना है भीलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग की घटना है, जो टोल नाका आता है गुड़ला का, इसके पास में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने के बाद में जो सूझबूझ दिखाई चालक ने वो काबिले तारीफ है। उसने सूझबूझ दिखाते हुए सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला, धुआं उठने लगा था तभी, और उसने बच्चों को बाहर निकाला, सुरक्षित स्टाफ को बाहर निकाला। करीब जो जय थे, आपने एक सवाल पूछा कितने बच्चे शामिल थे इस बस में सवार थे, करीब के आसपास बच्चे सवार थे। इसके अलावा स्टाफ के करीबन 3 से 4 लोग सवार थे, ऐसे करके करीब 20 लोग इस बस में सवार होने की बात सामने आ रही है। कारोई थाने का जाप्ता जो पहुंचा, SHO है हरपाल सिंह, उनके नेतृत्व में मौके पहुंचा, 2 फायर ब्रिगेड बुलाई गई, आग पर काबू पा लिया गया है। और जेती जो सबसे बड़ी बात आपने कोहली के खास बात ये रही कि भगवान की ऐसी मेहरबानी रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बच्चे सुरक्षित निकल गए। अगर इस बस की हालत देखने के बाद, आग लगने के बाद में जो लगातार बढ़ती गई, फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद में भी आग एक तरफ बुझ रही थी तो दूसरी तरफ वापिस बढ़ रही थी, तो इस दौर में उस समय जो जिस तरह से एक तरह से दिमाग से काम लेते हुए जो चालक ने काम किया, कुशलता दिखाई, उससे बच्चों की जान बच गई और बच्चे बाल बाल बच गए। ये गंगापुर जो सोमालिया स्कूल है इसकी स्कूल बस है। अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं बच्चे किन गांवों के थे, आसपास के गांवों के बताए जा रहे हैं और उनके परिजन भी पहुंच रहे हैं। जेटी बिल्कुल नवीन, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए ये हादसा इसलिए बड़ा हो सकता था, लेकिन आपने जानकारी दी कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था। स्कूल बसेस विशेष तौर पर इतनी ज्यादा चक्कर लगाती है, बच्चों के इतने फेर होते हैं उसको ले जाने से लेकर के उनको छोड़ने तक घर में, और ज्यादा संजीदा इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मासूम है, अपनी जान बचाने में उतनी सक्षम भी नहीं है, ना उतनी समझ रखते हैं किस तरह से इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर ने सूझबूझ तो दिखाई लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी इस बस की, तभी इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर चेकिंग नहीं हुई थी जाने से पहले। जैसी ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कभी ऐसा हादसा होता है तभी परिवहन विभाग भी चेतता है, प्रशासनिक अमला भी चेतता है। बाकी इससे पहले आप देखिए जो अभियान चलते हैं रिकवरी को लेकर, इसको लेकर, उस दौरान थोड़ा बहुत फोकस किया जाता है बसों की फिटनेस चेक करने को लेकर। बहुत बड़ा और गंभीर सवाल उठाया आपने, उसके बाद में पूरे साल भर सारे लोग इन फाइलों को वापस बस्तों में डाल देते हैं, ये फाइल वापस धूल फांसती रहती है कार्यालयों में। अगर इनकी लगातार मेंटेनेंस को लेकर, फिटनेस को लेकर जांचें होती रहे स्कूल बच्चों की, बाल वाहिनियों की, तो ऐसे हादसे नहीं हो और बच्चों की जान जोखिम में नहीं रहे, बच्चे मौत के मुंह में खड़े होकर वो सफर नहीं करें। जय जी बिल्कुल नवीन, ये ठीक बात है क्योंकि लगातार देखिए ऐसी बसेस जब इतने फेर करती है तो उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, और फिटनेस का आपने जिक्र किया, एक तरीके के प्रावधान भी हैं, और इससे पहले भी 2-3 बार ऐसे हादसे, हालांकि आग लगने के नहीं लेकिन अब एक्सीडेंट्स के और ब्रेक फेल होने के जब सामने आए थे तो ये शिक्षा विभाग की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई थी बसेस के लिए। बिल्कुल, शिक्षा विभाग बराबर गाइडलाइन जारी कर रहा है, करता भी है, बराबर मॉनिटरिंग की बात भी होती है। ऊपर का अमला मॉनिटरिंग की बात करता है मगर नीचे का अमला उन फाइलों को लेके एक बार बस फिटनेस के लिए बात करता है, नोटिस दे देता है स्कूल को, स्कूल प्रबंधन उस नोटिस का जवाब दे देता है और उसके बाद में इतनी हो जाती है। इसको कह सकते हैं जैसे प्रॉपर मॉनिटरिंग जो नीचे स्तर तक केवल विभागों के, जो परिवहन विभाग, खास तौर से परिवहन विभाग को मैं इस बात में बात करूंगा कि परिवहन विभाग केवल जो अभियान चलते हैं उस दौरान ही अपने ड्यूटी को स्कूल वाहिनी और स्कूल बाल वाहिनी को लेकर। बिल्कुल, तो नवीन, साझा प्रयास होना चाहिए स्कूल प्रबंधन के और से भी, और लगातार इनकी फिटनेस पर जांच भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे बाराबंकी से खबर।